सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। 500 मीटर के बाद फिर घूमने के बाद आपको कैसा लग रहा है, है? क्या कहना चाहोगे आप? भगवान परीक्षा ले रहे, 500 मीटर में इसकी परीक्षा ले ली भगवान। हाँ भाई, जो गुफा है ना वैसे लग रही है, जो वैष्णो माता की गुफा नहीं होती उस टाइप से लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारा ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी, और भाई मैं हूं बुलट पैरी है मेरी दो बेबे, और रमजान लग रहे हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को भाई अमरनाथ भी कहा जाता है, मिनी अमरनाथ, मतलब उदयपुर का अमरनाथ भी कहा जाता है गुप्तेश्वर मंदिर को। पहाड़ों की वादियों में बुलेट बाइक को हाथ में, और कुर्ता पजामा काली जुत्ती, मजा ही नहीं आ जाओ है। तुम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाकी है बेटे कपल गोल्स पहाड़ों में ऐसे भाई अपने बंदी के साथ घूमना, ये आगे भाई हम मंदिर। तो भाई जो हम आए हैं वो आए हैं दो बुलेट पे, एक ये भाई अरबे पे यार्ड है भाई एंट्री गेट, और बाहर आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। थोड़ा सा चलते ही भाई आपको जो सिटी का लुक मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको क्या, शानदार जानदार जबरदस्त। पहाड़ों के बीच तो भाई हमारे महादेव बाबा शुरू से ही है, वो बैठे हमारे महादेव। आंगना ना बना देना छोटा को नहीं, तेरा पंडा को नहीं छोटा। और भाई जो गुप्तेश्वर आप आ कैसे सकते हो उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास, हंसने का नहीं ऐसे, पहले थकावट हो रही, बोला नहीं जा रहा मेरे से। अरे चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ। नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ भाई, भाई तू बोल के को था। हे गाइस, ए गाइस ना अड़मु फुली बेच है। भाई देख वहां तो हम आए हैं, करीब वो कितना लगा रहे हो आप, 500 किलोमीटर 500 मीटर के बाद फिर घूमने के बाद आपको कैसा लग रहा है, है? क्या कहना चाहोगे आप? भगवान परीक्षा ले रहे, 500 मीटर में इसकी परीक्षा ले ली भगवान। और भाई आपको गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आ कैसे सकते हो, रेलवे स्टेशन उतर जाओ भाई उदयपुर, वहां से आपको गुप्तेश्वर मंदिर जो पड़ेगा वो पड़ेगा करीब 7 किलोमीटर, और बस स्टैंड अगर आप उतरते हो उदयपुर के तो वहां से आपको मंदिर पड़ेगा करीब 8.25 किलोमीटर, तो आप वो ऑटो वगैरह से आ सकते हो। कृष्णा भाई मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है ये बात, लव यू गाइज, भाईचारा ऑन टॉप, थैंक्स, लव यू। हरे महादेव। चल के आ गए हम अपना ऊपर गुप्तेश्वर महामंदिर के प्रांगण में, और हम कितनी नीचे से आए हैं वहां से, हमें कम से कम लगनी चाहिए थी 7-7 घंटे, और हम आए हैं 20 मिनट में, क्योंकि ये भाई बहुत सीधी चढ़ाई है, मतलब 15-20 मिनट में आपकी चढ़ाई पूरी हो जाओगी। और व्यू आओ भाई एक नंबर का, कर भाई ट्राई कर, नहीं होगा कर, दे होगा दे, मिशीन खड़ा खड़ा लगा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, छोटी बच्ची हो क्या? और भाई हम आ गए मंदिर के अंदर, और आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि ये है नॉर्मल मंदिर, लेकिन ये हमारे महादेव का मंदिर है तो सामान्य कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ है भाई एक गुफा, ये रही इसके अंदर है हमारे भोलेनाथ श्री महादेव, महादेव महादेव। देखो भाई ओरिजिनल पत्थर है, नू करोगे तो खून भी आसके है। देखो यार कितना मतलब तगड़ा व्यू आ रखा है। हाँ भाई जो गुफा है ना वैसे लग रही है, जो वैष्णो माता की गुफा नहीं होती उस टाइप से लग रही है। देख लो भाई कति पत्थरी हो रहा, भोले बाबा के पैर ये, हर हर महादेव, क्योंकि भाई बोले ना तो हमारे कण कण में है। जो भी है तेरा है, कुछ भी ना मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। ये भाई मंदिर का, और भाई बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है यार, और इतना नेचुरल झुक के आना पड़ रहा है, और इतना नेचुरल मंदिर भाई, मतलब पहाड़ों के बीच जन्नत है, इतना सुंदर मंदिर भाई, मतलब क्यों कहते हैं मिनी अमरनाथ, यहाँ पे उदयपुर का अमरनाथ मंदिर क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं। तो ये भाई हमारे हनुमान बाबा का मंदिर, कपाट हो चुके हैं बंद, क्योंकि भाई ये दिख रहे होंगे आपको हमारे हनु बाबा। सियारा, सियारा, जय जय राम।
कैसा लगा सर आपको ये बताओ? मेरे को तो भाई पहले से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना, तो मैंने फाइनली सोचा आज मंडे है और सबको यहाँ पे दर्शन करा दूं तो भाई इनको भी मजा आ जाएगा, तो फाइनली इनको भी मजा आ गया। तो भाई हमने तो आया मजा, मेरी तबियत है, पूछे कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा। कैसा लगा सर? अरे एक नंबर, लगा कि हम कहीं घूमने आए उदयपुर में। हाँ पहली जगह आए भाई और पहाड़ा जन्नत है, आपको 20 मिनट लगेंगे ऊपर आने में, बस मात्र 20 मिनट लगी थी, थकावट हो जाएगी यहाँ पे आके सारी। अरे थकान थकावट महादेव के लिए थकावट, दिन में आइयो भाई वो है, हम तो रात ना आए, फोटो भी आ जाऊंगी और भाई जी हाँ आ जाऊंगा। तो फिर अगर आपने वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट अरे महादेव का जरूर कर दियो, लाइक कमेंट शेयर कर दियो चैनल ने। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, गुड बाय, नी गुड इन, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।